This topic is time and tide waits for none. Wait में S लगा लीजिए, S लगेगा waits for none. ठीक है? चलो. तो सभी ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे line by line. ठीक है? कोई word में दिक्कत नहीं होगी. तो सबसे पहला line जो हमारा है, it is a well known proverb. यह एक जाना माना या प्रसिद्ध कहावत है. We all know, हम सभी जानते हैं the story, कहानी of a rabbit and tortoise. एक खरगोश और कछुए की कहानी. दिस स्टोरी इज द परफेक्ट या ए परफेक्ट एग्जाम्पल, यह एक सटीक उदाहरण है ऑफ दिस प्रोवर्ब, इस कहावत का. द टॉर्टोइज वॉज वेरी स्लो, कछुआ जो था बहुत धीमा था. एट हिज रनिंग, एट हिज रनिंग या एट रनिंग, ठीक है, दौड़ने में बहुत धीमा था. सो ही वॉज क्रिटिसाइज, इसीलिए उसकी आलोचना होती थी बाय ऑल, सभी के द्वारा. A rabbit also lived nearby. एक खरगोश भी आसपास रहता था. Everyone praised the speed of running of the rabbit. और खरगोश के गति की सब कोई प्रशंसा करता था. Once, एक बार, the rabbit challenged. खरगोश ने चुनौती दी the tortoise, कछुए को, for the race, प्रतिस्पर्धा के लिए. We all know about the result. हम सभी परिणाम के बारे में जानते हैं. So we should never be proud of, इसीलिए हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए, of our good time, हमें अपने अच्छे समय पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए. It can change, यह बदल सकता है into bad one, बुरे वक्त में या बुरे रूप में, any time, किसी भी समय. अब दूसरा पैराग्राफ, after knowing the story, कहानी जानने के बाद, we can better understand, हम बेहतर समझ सकते हैं the importance of time, समय के महत्व को, and tide, और भाग्य के महत्व को. There is nothing stronger, कुछ भी मजबूत नहीं है या बलवान नहीं है than time and tide, समय और भाग की अपेक्षा, समय और भाग से कुछ भी मजबूत नहीं है. It is also the fact, यह भी सच्चाई है that we should not depend fully or completely, हमें पूरी तरह से, depend मतलब होता है निर्भर होना या आश्रित होना, हमें पूरी तरह से आश्रित नहीं होना चाहिए. इस पर upon time and tide, समय और भाग पर. We should work hard, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए to achieve or attain, हमें पाने के लिए या get, एक ही मीनिंग है तीनों का, success, सफलता पाने के लिए in our life, हमारे जीवन में. Hard work is the key to success. Hard work यानी कठिन परिश्रम, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, आपने बराबर सुना होगा, है ना, वही हमने यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है. And it will make your efforts, और यह आपके प्रयासों को successful, सफल बनाएगी. If your, यदि आपका time and tide, समय और भाग्य is with you, समय और भाग्य आपके साथ है, तो मतलब आपके प्रयास जो है आपकी सफलता में चार चांद लगा सकते हैं यदि भाग्य और समय आपके साथ है तो. इसीलिए बेहतरीन तरीके से इसको जाना जाता है, कहते हैं ना कि समय और समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, ये भी बहुत बार कही जाती है ये बात, इसीलिए इसको भी जानना जरूरी था. और एग्जाम में ये रिसेंटली ऑफ्टन बहुत ज्यादा पूछा जाता है.